नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बस मॉर्निंग का ना मॉर्निंग रूटीन चल रहा है दोस्तों, तो बस मैंने नहा धोवा के आ गई हूँ। और ये देखिए, मैंने आलू की भुजिया भूंज रही हूँ। आलू की भुजिया ना मैं फ्रेंच फ्राइड टाइप का आजकल बनाती हूँ, ये बच्चे लोग को ज़्यादा ही पसंद आता है, तो इसलिए आजकल ना हमेशा बोलते हैं कि ऐसे ही काटो और उन लोगों को ऐसे ही अच्छा लगता है। तो नाश्ते में ये हो जाएगा, और लंच के लिए ना मैं करेले की भुजिया बना रही हूँ, तो वो वाला बच्चे लोग नहीं खाते हैं करेले वगैरह, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा बना रही हूँ लंच में। ये देखिए मेरा करेला, और अभी बहुत दिनों के बाद ही आया है, लेकिन हम लोगों को पसंद है। हम लोग मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड जी खाते हैं, दोनों को पसंद है हम लोग दोनों को, लेकिन बच्चे लोग दोनों नहीं खाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग खा लेते हैं। और ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरी ही लापरवाही के वजह से ना ये सब हुआ है। मैं ना आराम नहीं करती हूँ, जैसे कि मैं सोचती हूँ ना कि चलो थोड़ा सा तबीयत खराब हल्का फुल्का रहता है ना, तो मैं फिर अपना काम में लग जाती हूँ, काम करते रहती हूँ, तो इससे होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाता है। और बात भी है ना कि घर में कोई है नहीं, और किसे बोलूँ, बच्चे लोग का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम है तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जितना मदद हो सके ना उतना वो लोग कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी काम तो होता ही है बहुत सारा, इसीलिए हो जाता है कभी कभी तबीयत गड़बड़। और ना दोस्तों, मेरी ही लापरवाही के वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो मतलब कि मैं आराम कर लेती ना तो मेरा तबीयत इतना ज़्यादा नहीं ख़राब होता, और इतने बड़े अच्छे मौके को मैं हाथ से कैसे जाने देती। तो हुआ क्या ना कि मैं गई थी अपने ये क्या कहते हैं अपनी दीदी के घर, तो उस दिन थोड़ा मोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं था, दवाई खा के ही मैं गई थी, और फिर उसके बाद आने के बाद ना थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हो गया तबीयत ख़राब। तो मौका मिला था जाने का, ऐसे तो मैं उतना जाती नहीं, और जाने का मौका मिला था, इतना मतलब कि ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देती, बताइए आप ही लोग कि मायके हो, तबीयत कितना भी ख़राब हो, या मायके जाना हो, या फिर बहन के घर, या फिर मतलब कि ये दोनों जगह तो कोई भी नहीं छोड़ सकता है। और मेरी दीदी का घर भी नज़दीक है, मम्मी का भी घर नज़दीक है, तो मैं हमेशा नहीं जाती हूँ, बहुत बहुत दिन भी हो जाता है। और ये देखिए मेरी करेले की भुजिया तैयार हो गई है, तो इसमें मैंने ना ये क्या कहते हैं प्याज डाला था दो शुरू में, हल्का सा उसको फ्राई कर लिया था, ज़्यादा नहीं, और उसका कड़वापन ना वो प्याज पूरी तरह से टान लेता है, इसीलिए मैं प्याज डाल दी हूँ, और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। और इसके साथ दाल चावल बनाऊँगी मैं, तो करेले की भुजिया दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी बनाइए और खाइएगा। और आलू की भी भुजिया है, और थोड़ा मन करेगा तो चोखा भी डाल लेंगे, तो यही सब है। और फिर पहले ना मैंने दोनों सब्जी ही तैयार कर लिया था, और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह रोटी नहीं बनाया था, तो मैं अभी रोटी बना ले रही हूँ। और खाना और ये नाश्ता तो समझिए ना मेरा जल्दी जल्दी ही बनाना पड़ता है, हर रोज़ का यही है, क्योंकि मतलब इनको जाना रहता है ना, तो मुझे जल्दी ही बनाना रहता है, ऐसा ही होता है। तो मैं ना दोनों काम एक ही, लंच और कभी कभी मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर, और कभी कभी ना साथ साथ ही करते रहती हूँ, क्योंकि लेट भी हो जाता है, जैसे कि कभी सब्जी ज़्यादा बना लेती हूँ ना, तो चावल वगैरह बनाती हूँ तो हो जाता है, तो चावल मैं लेट से बनाती हूँ, बाकी जैसे सब्जी वगैरह फिर से बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए फिर उसी टाइम से मैं दोनों जुगाड़ बिठा देती हूँ, जैसे कि नाश्ते के लिए सब्जी मैंने काटा ना, उसी टाइम फिर लंच के लिए भी सब्जी काट के रख देती हूँ, काट पीट के रख देने से ना काम हल्का हो जाता है, तो वैसे ही मैं कर देती हूँ, उसी टाइम करके और रख देती हूँ, टाइम रहता है तो मैं कर लेती हूँ। और फिर अभी देखिए, अभी मैं रोटी बना रही हूँ ना, तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, तो दाल भी होते रहेगा, और नाश्ता बच्चे लोगों को मैं सबको दे दे रही हूँ, और आलू की भुजिया के साथ नाश्ता दे दे रही हूँ, और फिर उसके करेले की भुजिया भी बन गई है, तो और दाल भी मेरा बन जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए मेरा पराठा बना रही हूँ,
तो इधर साइड दाल बैठा हुआ है, तो दोनों एक साथ हो जाएगा तो काम बहुत आसान हो जाता है ऐसे। नहीं तो पता है फिर उसके बाद जब लंच नाश्ता वगैरह करके करो ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, मतलब कि लेट हो जाता है इनको, और लेट हो जाता है ना तो फिर ये रुकते नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं बिना खाए पिए, खाना पीना लेके भी नहीं जाते हैं या फिर खा पी के भी नहीं जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर इतना खाना बनाना, इतना मेहनत करना सारा बेकार लगने लगता है मुझे। बच्चे लोग खाते हैं फिर मैं खाती हूँ और ये भूखे रह जाते हैं, तो अच्छा किसी को भी नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर मैं वैसे ही करती हूँ, और चावल ना थोड़ा लेट से बनाती हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह करके और नाश्ता का बर्तन भी सारा मैं धो लेती हूँ, उसके बाद फिर चावल बैठा देती हूँ, तो टाइम पे एकदम हो जाता है, मतलब कि 1 बजे तक 1:30 बजे तक पूरा खाना पीना रेडी रहता है ना, तो फिर चिंता ही नहीं रहता, आराम से बनाओ आराम से खाओ। और बस ये देखिए मैंने नाश्ता लगा दिया है, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। करेले की भुजिया भी मैंने थोड़ा सा लिया है, मैं सबका नाश्ता हो गया था, मेरा नहीं हुआ था, मैंने सोचा कि जरूर निपटा काम निपटा के ही करती हूँ तो सही रहेगा। और आलू की भुजिया भी ले ली हूँ और पराठा भी ले ली हूँ, और अचार वगैरह मन करेगा तो वो भी ले लूँगी, लेकिन ऐसे भी मेरा हो जाएगा। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट खाना है और एकदम सिंपल सा है, तो आ जाइए आप लोग भी और आके बताइए कैसा टेस्ट है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही सिंपल सिंपल खाना, और मेरे बच्चे लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही सिंपल। और फिर उसके बाद मैं ना थोड़ा सा इधर उधर पीक हो गया था, तो नाश्ता मतलब पहले ही मैंने दाल बैठा दिया था, और फिर दाल ये धोने वाला फिर से आ गया दाल बैठाने वाला, तो ये वाला भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मतलब इधर उधर हो जाता है कभी कभी, तो चलो कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि कब क्या हो रहा है। और दाल, और इसी में मैं आलू भी डाल दे रही हूँ एक दो, ये देखिए आलू धो के मैंने रखा था और डाल दे रही हूँ, तो दाल भी बन जाएगा। और अभी नहीं दोस्तों, उस टाइम ना मैं आलू बैठा रही थी कुछ के लिए, और अभी पीक इधर उधर नहीं हुआ है, अभी मैं अभी दाल बैठा रही हूँ, तो अभी देखिए नाश्ता करने मैं जा रही थी ना, तो दाल बैठा के गई थी, और तब तक मैं नाश्ता की ना तब तक दाल हो गया था, और फिर उसके बाद ये देखिए मैं आलू मैच कर रही हूँ, तो उसमें दाल वाला आलू निकाल के और चोखा बना दे रही हूँ। अभी गर्म भी है बहुत ज़्यादा आलू, तो हाथ भी मेरा जल रहा है, और फिर ये देखिए चोखा मैच करके हल्का फिर मैं ना यहाँ पे चावल भी निकाल ली हूँ, तो चावल मेरा बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी मैं ना मेरा मन नहीं मानता है और मैं थोड़ा सा देख ही लेती हूँ ज़्यादातर, तो बस इसे मैं अभी धो लेती हूँ, चावल को धो के रख देती हूँ, और दाल भी तो बन ही गया है, तो चावल भी बना के रख देते हैं, क्योंकि टाइम हो गया, नाश्ता पानी हो गया, सब कुछ हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चावल भी बैठा देते हैं, और उसमें रहेगा तो गर्म ही रहेगा, और मेरे घर में ना सबको गर्म खाने का। बस ये देखिए उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मतलब तेल डाल के और थोड़ी सी जीरा थोड़ा हरा मिर्च ये सब करके, और फिर ये चोखा को मैं कर ले रही हूँ, थोड़ा सा भून ले रही हूँ, और चोखा को भून लेने के बाद ना बस यही रह गया था, बाकी सारा काम हो गया था, तो बच्चे लोग चोखा खाएंगे और ये लोग तो करेला वगैरह नहीं ना खाएंगे, इसीलिए तो चोखा भून ले रही हूँ। और फिर चावल धो के मैंने रखा है, अभी डाला नहीं है, तो अभी चावल कुकर को धो के मैं उसमें चावल भी बैठा दूँगी दोस्तों, तो बस हो जाएगा, और मतलब कि सारा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह रह जाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने खाना निकाल दिया है, हो गया है सब कुछ, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। ये देखिए करेले की भुजिया है, दाल चावल है, आलू की भुजिया है, और चोखा भी है, एकदम स्पेशल और एकदम सिंपल सा खाना, टेस्टी खाना, तो आप लोग भी आ जाइए और बताइए कैसा टेस्ट लगा आप लोगों को। तो बस सबका हो गया है खाना पीना, तो बस मतलब सबका हो गया नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं, ये चले गए हैं अपना खाना उना खा पी के, और बस हम लोग बचे हैं, बच्चे लोग बचे हैं और हम लोग बचे हैं, मैं बची हूँ बस, और कोई नहीं है दोस्तों। तो आप लोग भी आ जाइए और बताइए, और फिर ना एक बार ही मैं खाना पीना करके और सारा बर्तन उर्तन किचन उचन क्लीन करके ना फिर मैं एक बार शाम को मिल रही हूँ आप लोगों को, और शाम को मतलब कि मेरा बुखार जैसा हो गया था थोड़ा ज़्यादा ही, तो बस मैं दवा ले रही हूँ,
तो दवाई ला के रख गए थे और वही मैं दवाई खा ले रही हूँ। सुबह में मैंने खाया था लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो दवा खा के और थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इस टाइम अभी कुछ काम नहीं है क्योंकि सारा किचन उचन मैंने क्लीन कर दिया, बर्तन वर्तन सारा धो लिया है, तो बस अभी पानी पी के और दवाई खा के और सो जाती हूँ ओढ़ पोड़ के, तो बस ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। और ये देखिए मेरी दवा एंटीबायोटिक वाला ले ली हूँ, एंटीबायोटिक वाला लेने से थोड़ा जल्दी शायद ठीक हो जाता है। फिर नम दोस्तों मेरा एक प्रॉब्लम और है कि दवा खाना मैं भूल ही जाती हूँ एकदम से, तो मेरी बेटी मुझे याद दिलाते रहती है हर टाइम, तब जाके मैं खा पाती हूँ, नहीं तो मैं ना बस इस टाइम का उस टाइम होता है, तो इसलिए मेरा जल्दी से तबीयत भी ठीक नहीं होता है। और जब एकदम ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना तब मैं खाती हूँ, तब जाके मतलब याद रहता है, ऐसे मुझे याद ही नहीं रहता है क्योंकि मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है। मैं मोड़ के इस तरफ जैसे अभी बैठी हूँ ना उस तरफ मैं पैर करके बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ, लेकिन अभी आप लोगों के सामने थोड़ा सा मैं बैठ गई हूँ, लेकिन इस तरह से मैं नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और इसीलिए तो मैं पलटी मार के नहीं बैठ सकती हूँ दोस्तों। तो चलिए थोड़ी देर में दोस्तों, मैं अपनी दीदी के घर गई थी, तो मतलब कि कब दोपहर में ही चली गई थी, दोपहर मतलब ये 12-1 बजे मैं गई थी वहाँ पे, और फिर कपड़े वगैरह मेरा ना ज़्यादा नहीं सूखा था तो मैं बाहर ही छोड़ के चली गई थी कि शाम में तो आ ही जाऊँगी तो फिर मतलब कि अंदर रख दूँगी। लेकिन क्या हुआ ना कि सारे मतलब अचानक से बारिश आने लगा और एकदम लग भी नहीं रहा था कि बारिश आएगा, और इतना ज़्यादा बारिश आया कि मेरा सारा कपड़ा गीला हो गया पूरा, और फिर आके मुझे फिर से डबल मेहनत करना पड़ा। तो सारे कपड़े को फिर से मैंने उठाया और फिर पानी में मतलब उसको फिर से मतलब धोना पड़ा, थोड़ा मतलब पानी में ही धोई, सर्फ में नहीं धोया था, खंगार दिया था फिर से एक बार एक दो बार पानी में खंगार के, और फिर मतलब गार गार के अच्छे से, और फिर मैंने पंखे में सारा रात को डाल दिया था। तो वीडियो वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन इतना बारिश आया ना कि इस बार ठंड में एक बार भी बारिश नहीं आया था, और इतना बारिश आया मतलब पहली बार बहुत दिनों के बाद इतना ज़्यादा बारिश आया। लेकिन मैं ना वीडियो बनाना भूल गई थी, मतलब दीदी के घर में थी उसी टाइम बारिश आ रहा था और मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, और मतलब कि वहाँ पे मतलब कहीं जाने से होता है ना कि वीडियो बनाना ज़्यादातर मैं बनाना भूल जाती हूँ, बहुत कम वीडियो बना पाती हूँ कहीं जाती हूँ तो, और घर में ही ज़्यादा वीडियो बन जाता है तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। और सारे कपड़े मेरे गीले हो गए दोस्तों, मेरा मतलब कि डबल मेहनत हो गया वहाँ जाने से, डबल मेहनत लग गया। तो चलिए क्या करें, और फिर वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।